किसी जमाने में होटल का मालिक और लखपति हुआ करता था चूचू बख्शी नामक एक शख्स, और उसके बाद हालात ऐसे बदले कि वह पहुंच गया पैसेंजर शेड में, पैसेंजर शेड में रहने को हुआ मजबूर, और आज संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव जो है वो उधमपुर के सलातिया चौक में स्थित पैसेंजर शेड से मिला है। तो किस्मत क्या क्या रंग लाती है, क्या क्या खेल खिलाती है, ये इन्हीं बातों से चलता है पता। तो संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत करेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। किस्मत भी क्या क्या खेल खिलाती है और क्या क्या रंग लाती है। एक व्यक्ति जो उधमपुर में रहता है और कभी उसका होटल हुआ करता था अपना, लखपति था, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े, परिस्थितियां ऐसी आई कि वह अकेला रह गया, ना होटल रहा ना लाखों रुपए। और उसके बाद वह व्यक्ति उधमपुर के सलातिया चौक के पैसेंजर शेड में रहने लगा, और ना जाने कितनी दर दर की ठोकरें इस व्यक्ति ने खाई। उम्र भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद आज जब सुबह लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ लेटा हुआ है, तो जब उसे हिलाया गया तो वो मृतक था। चूचू बख्शी इस शख्स का नाम है, और आज संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव जो है वो उधमपुर के सलातिया चौक में स्थित पैसेंजर शेड से मिला है। तो आइए दिखाते हैं ये दृश्य आपको, ये तस्वीरें आपको, कि किस तरह से ये किस पैसेंजर शेड में पड़े हुए थे, और उसके बाद पुलिस पहुंची, और उसके बाद इस शव को जिला अस्पताल उधमपुर के शव गृह पहुंचाया गया। तो किस्मत क्या क्या रंग लाती है, क्या क्या खेल खिलाती है, ये इन्हीं बातों से चलता है पता। तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। ये उन्हीं का जो शेड है, ये व्यक्ति कौन है, रहने वाला है, सोशल एक्टिविस्ट है जो भी यहाँ पहुंचे हैं, और देखिए आप इस चौक जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, और एक बहुत ही दुखद हमारे उधमपुर के लिए है। और अभी तक जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि ये जो डेड बॉडी है, ये उधमपुर के ही एक स्थानीय जो चुच्चू नाम से कभी अपने टाइम में मशहूर हुआ करते थे, और यहाँ तक भी स्थानीय लोगों ने बताया कि ये तनिष होटल जो आदर्श कॉलोनी में है, किसी ज़माने में इनका हुआ करता था, और यहाँ पे इनका अपना मकान हुआ करता था। अब किस परिस्थितियों में वो मकान बिका या क्या हुआ, और इनकी फैमिली भी इनको छोड़ के यहाँ से चली गई है, जो स्थानीय लोगों ने बताया। तो उसके बाद इनका अपना यहाँ पे रिश्तेदार कोई होगा, तो उनको SHO साहब से हमारी बात हुई है कि आप उनके साथ टाई अप कीजिए, क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार जो है उनको ये डेड बॉडी सुपुर्द की जाए। अगर कोई नहीं आता है तो फिर हमारी जो संस्था है, NGOs जो हैं, हम अपने तरीके से संस्कार करेंगे। अगर इनका कोई रिश्तेदार आता है इनकी डेड बॉडी लेने, तो वो आए। और इनका नाम जो है वो अभी पूरा नाम पता नहीं क्या है, लेकिन इनको चूचू कहा जा रहा है जी। होटल ये इनका तनिष होटल कभी किसी ज़माने में हुआ करता था, अभी सुनने में आया है कि वो बिक चुका है। तो ये किराए के मकान पे रहते थे, तो किराए के उन्होंने भी इनको शायद कोई किराए का मसला होगा या किस वजह से उन्होंने भी निकाल दिया था। अभी पिछले 5-6 दिनों से यहीं पे रात गुजारते हैं।